नमस्कार, क्या आप आईपीआर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे काम करना चाहते हैं, वो भी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के अंतर्गत? आपको बता दें कि यहाँ पे एमएसएमई की तरफ से जो है लोग ग्रेजुएट्स के लिए वैकेंसी निकल के आई है, और इसके लिए आपको ना तो ऑनलाइन आवेदन करनी है और ना ही ऑफलाइन आवेदन करनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ईमेल के माध्यम से इस पोस्ट के लिए अप्लाई करनी है। कौन सा ईमेल एड्रेस है जिसके आपको मेल करनी है और सब्जेक्ट लाइन क्या लिखनी है, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। उससे पहले हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, कैसे अप्लाई करनी है, और उसके अलावा लास्ट डेट क्या रखी गई है। आपको बता दें कि यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होने वाली है और इसकी नोटिफिकेशन आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, इस सारी जानकारी आपको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आपको बता दें कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, जिसे कि हम एमएसएमई के नाम से जानते हैं, इसके अंतर्गत जो है लोग ग्रेजुएट्स के लिए वैकेंसी निकल के आई है और ये जो है आईपीआर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। और सबसे बड़ी बात ये है इस पोस्ट के लिए कि आपको अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कोई एप्लीकेशन चार्जेस नहीं देनी है और आपके इंटरव्यू और आपके क्वालिफिकेशन के आधार पर इस जॉब पोस्ट आपको मिलने वाली है। एमएसएमई के अंतर्गत ये वैकेंसी है और आपको एमएसएमई के अंतर्गत आपको काम करने का मौका मिल रहा है एज अ आईपीआर एग्जीक्यूटिव। तो बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है लोग ग्रेजुएट्स के लिए। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े और आपको इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को दिखाएं और उसमें जो भी डिटेल्स दी गई है उन सबके बारे में बताएं, आपको बता दें कि अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं या एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी लीगल जॉब अपॉर्चुनिटी मिस ना हो। हम इस चैनल पे लगातार नई नई लीगल जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहे हैं। कई ऐसे लीगल जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में हमने बात की है जो कि गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से निकल के आई है, जिसके लिए फ्रेश लॉ ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। वहीं हमने कई ऐसे लीगल जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में भी बात किया है जो कि प्राइवेट सेक्टर में किसी लॉ फर्म में या फिर जो है कॉर्पोरेट लीगल जॉब पोस्ट निकल के आई हुई है उनके बारे में बात की है। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को और आपको लेके चलते हैं हम इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। और आपको इसकी नोटिफिकेशन जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से डायरेक्टली क्लिक करके आप या तो इसकी पेज पे आ सकते हैं यहां पे, या फिर आप जो इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी आपके स्क्रीन पे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज यानी कि एमएसएमई की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाली गई है इसको आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। और यहाँ पे जो इसकी लोकेशन रहने वाली है वो जो हैदराबाद में रहने वाली है। यहाँ पे जो पोस्ट है वो है आईपीआर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है और टोटल इसमें जो है एक पोस्ट वैकेंसी निकाली गई है। एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज जो है 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एज पर इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है उसके आधार पे। और जो भी अदर इन्फॉर्मेशन है अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, जैसे कि रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एप्लीकेशन फॉर्मेट और जनरल इंस्ट्रक्शन, तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं जो कि अभी आपके सामने है। तो अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो इसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया गया है। वैसे आपको इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बात करने ही वाले हैं। आपको बता दें कि इस पोस्ट के लिए आपको जो है एक सिर्फ और सिर्फ आपको जो है एक ईमेल करनी है और ईमेल में आपको जो है अपने रिज्यूम को और इसके साथ में जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपकी एज प्रूफ के लिए और आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए जो है एक्सपीरियंस प्रूफ के लिए जो है जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको आपको एक साथ अटैच करने के बाद रिज्यूम के साथ में, और आपको जो है recruitment@nimsme.org इस ईमेल एड्रेस पे आपको जो है 15/7/2024 तक अप्लाई कर देनी है। और जो भी यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको जो है यहाँ पे रिटेन टेस्ट या फिर इंटरव्यू के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा और इसी के आधार पे आपको ये जॉब पोस्ट मिलेगी। इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपके पास मास्टर डिग्री या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए लॉ से रिलेटेड या इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी साइंस एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन हम यहाँ पे लॉ ग्रेजुएट्स की बात करें तो लॉ एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, एज अ फील्ड यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर आपके पास लॉ की डिग्री है यानी कि आपने LLB कर रखी है तो आपको यहाँ पे एडवांटेज भी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट और इंक्लूडिंग पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और डिजाइन, इन सब से रिलेटेड लॉज के बारे में जो अच्छी जानकारी जिनके पास है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एज अ लॉयर आपके पास इन सब की जानकारी होती है और यदि आपने IPR में कहीं से डिप्लोमा कर रखा है या कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है तो आपको यहाँ पे और एडवांटेज मिल सकती है। साथ ही जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसकी एनालिटिकल और रिसर्च स्किल अच्छी होनी चाहिए, साथ ही MS ऑफिस जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में सर्टिफिकेशन इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ यहाँ पे मांगा गया है, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ यानी IPR से रिलेटेड फील्ड से अगर आपके पास सर्टिफिकेट है। एक्सपीरियंस की बात करें यहाँ पे तो आपको बता दें कि एटलीस्ट आपके पास कम से कम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होनी चाहिए। उसके अलावा आपको यहाँ पे जो है IPR यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड जितने भी काम हो सकते हैं एज अ लॉयर, ये सारी काम आपको यहाँ पे जो है करनी होगी।
तो अगर आप इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई जरूर कीजिए। सिंपली आपको जो है एक ईमेल सेंड करनी है, और जब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे यानी कि ईमेल सेंड करेंगे तो आप जो है सब्जेक्ट लाइन में लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर IPR एग्जीक्यूटिव, ठीक है, इसे आपको जो है वहाँ पर लिखनी होगी, और उसके बाद जो ईमेल एड्रेस दिया गया है उस पर आपको सेंड कर देनी है। उसके बाद आपकी इंटरव्यू या फिर रिटन टेस्ट हो सकती है और उसी के आधार पे आपको ये जॉब पोस्ट मिल जाएगी। इसके लिए कोई आपको एप्लीकेशन चार्जेस नहीं देनी है। और सैलरी की बात करें तो आपको बता दें कि यहाँ पे सैलरी डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन MSME के अंतर्गत आपको एक अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। और सैलरी को छोड़िए, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, जानने को मिलेगी, बिजनेस के बड़े बड़े महारथियों से आपको मिलने का मौका मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको सैलरी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही है। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस नोटिफिकेशन का लिंक दिया गया है, जहां से क्लिक करके आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक और नई लीगल अपॉर्चुनिटी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।